हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी सेम यही टॉपिक किया था, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और उसमें हमने चार रिएक्शंस की थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आज हम करने वाले हैं कुछ और रिएक्शंस के टाइप्स, एंड द फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती क्या है? एक्सो मींस जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है। एक्सो मींस जिसमें रिलीज होना, और थर्म मींस जिसमें हीट। हीट जिसके अंदर रिलीज हो रही है, उस रिएक्शन को हम क्या कहने वाले हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मींस रिलीज एंड थर्म मींस टेम्परेचर और हीट। तो जिस रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज होती है, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मीन इन विच हीट इज रिलीज, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मींस अगर किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, और उस दौरान प्रोडक्ट के साथ कुछ हीट भी रिलीज हो रही है, उस रिएक्शन को हम क्या कहने वाले हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड चूना, अगर उस चूने में कैल्शियम ऑक्साइड में वॉटर एड करें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वॉटर दोनों ऐड होके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड की। जब कैल्शियम ऑक्साइड में हम वॉटर ऐड करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड की। और इस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ में क्या रिलीज होता है, हीट भी रिलीज होती है। आपने ये देखा होगा कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड मीन चूने के अंदर वॉटर ऐड करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में किसकी फॉर्मेशन होती है, क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। मींस वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ में हीट भी रिलीज हो, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेम यही रिएक्शन अपनी बॉडी में भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज है फूड के रूप में, C6H12O6 क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, ग्लूकोज, और इसका ऑक्सीडेशन होता है। मींस ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन करता है, CO2 प्लस वॉटर के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करता है विद एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। मींस यहां पे भी हीट रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मींस जिस रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज हो प्रोडक्ट के साथ में, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जो हीट रिलीज होती है वो किस रूप में होती है, एनर्जी के रूप में। किस रूप में, एनर्जी के रूप में हीट रिलीज हो रही है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलने वाले हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन रिएक्शन। क्योंकि हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या करते हैं ऑब्जर्व, और कौन सी गैस को रिलीज करते हैं, CO2 को। तो ये रिएक्शन कौन सी है, रेस्पिरेशन रिएक्शन है। और रेस्पिरेशन जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। आपसे क्वेश्चन पुट किया जाएगा कि जो रेस्पिरेशन रिएक्शन है क्या वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यस, रेस्पिरेशन रिएक्शन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि ये क्या रिलीज कर रहा है, एनर्जी को रिलीज करती है। तो फर्स्ट थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी। सेकेंड जो है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होगी इन द फॉर्म ऑफ इन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी क्या है, जिसमें एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी,
एंड लाइट, इन तीनों के रूप में अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो इस रिएक्शन को हम क्या कहने वाले हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल ले तो आइस जो है, आइस अगर हीट को एब्जॉर्ब कर ले तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉटर के अंदर। मीन्स आइस अगर हीट को एब्जॉर्ब कर रही है तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वॉटर में। तो ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होगी, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, और जिसमें हीट रिलीज होती है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्ड है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, एडिशन होता है, और हाइड्रोजन का क्या होता है, रिमूवल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, एडिशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल कॉपर, कॉपर जब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है तो किसकी फॉर्मेशन होती है, कॉपर ऑक्साइड की। रिएक्शन को बैलेंस कर ले, कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड की। इट मींस कॉपर से किसकी फॉर्मेशन हुई, कॉपर ऑक्साइड की। इस कॉपर में क्या ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, और अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। या तो ऑक्सीजन ऐड होता हो या फिर हाइड्रोजन जो है वो क्या होता हो, रिमूव होता हो, उस रिएक्शन को हम क्या कहने वाले हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरी अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में क्या होता है कि रिडक्शन के अंदर जो हाइड्रोजन है उसका तो क्या होगा, एडिशन होगा, और ऑक्सीजन का क्या होगा, रिमूवल होगा। इट मींस जो रिडक्शन प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन के क्या है, अपोजिट है। जो रिडक्शन प्रोसेस है वो ऑक्सीजन के, ऑक्सीडेशन के क्या है, अपोजिट एक प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल इसी कॉपर ऑक्साइड के अंदर अगर हम वॉटर एड करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होगी, कॉपर प्लस, सॉरी इस कॉपर ऑक्साइड में हम क्या ऐड करते हैं, हाइड्रोजन। तो कॉपर प्लस एक वॉटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, फॉर्म होगा। इस कॉपर ऑक्साइड में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो कॉपर के साथ में क्या फॉर्म हो रहा है, वॉटर का मॉलिक्यूल। तो देखिएगा इसमें कौन सी प्रोसेस हुई है, इस कॉपर ऑक्साइड से क्या फॉर्म हुआ, कॉपर की फॉर्मेशन हुई। मींस कॉपर ऑक्साइड से इस ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल। एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, इज नोन एज रिडक्शन। और अगर हम यहां पे देखें कि हाइड्रोजन से किसकी फॉर्मेशन हो रही है, एक वॉटर का मॉलिक्यूल। मींस हाइड्रोजन जो है यहां से ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। और वो रिएक्शन जिसमें दोनों ही हो रही है, रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको हम, रिडॉक्स रिएक्शन। उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन क्यों कहते हैं, रिडॉक्स मींस रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रेड प्लस ऑक्स, जिसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये कौन सी है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। लेकिन इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें सिर्फ ऑक्सीजन का क्या हो रहा था, एडिशन हो रहा था, इसीलिए हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक दूसरे के क्या होती है, अपोजिट होते हैं। तो ऑक्सीडेशन के कुछ फैक्टर भी हैं, उसको भी नोट करेंगे, फैक्टर्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन नोट कर लें, कुछ इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। और इसका पहला इफेक्ट है कोलिजन। कोलिजन क्या होता है, जब कोई मेटल मॉइस्चर, एयर या फिर वॉटर के साथ में रिएक्ट करती है या किसी एसिड के साथ में रिएक्ट करती है,
तो उस मेटल के ऊपर एक लेयर आ जाती है किसकी, ऑक्साइड की। जब कोई मेटल एक मॉइस्चर, एयर, वाटर या किसी एसिड के साथ में रिएक्ट करती है तो उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म हो जाती है, और उस लेयर फॉर्म होने के कारण वो जो मेटल है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, कोरीजन कहते हैं। मींस किसी मेटल का कोरीड होना क्या कहलाता है, कोरीजन कहलाता है। और किसी मेटल का कोरीजन कैसे होएगा, जब वो मेटल मॉइस्चर, एयर, वाटर या किसी एसिड के साथ में रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरीजन। और इसका एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ एन आयरन, रस्टिंग ऑफ एन आयरन। आयरन के ऊपर क्या होती है, रस्टिंग, लोहे पर जंग लगना कोरीजन का एक एग्जाम्पल है। या आप कह सकते हो ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, या फिर कह सकते हो ग्रीन कलर ऑन कॉपर। तो ये कुछ एग्जाम्पल है किसके, कोरिजन के। और ये कोरिजन किसके कारण होता है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि मेटल का यहां पे ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, एयर, वाटर और एसिड। दूसरा जो इसका इफेक्ट है वो है रेंसिडिटी। मींस जब किसी फूड का, कौन सा फूड, जिसमें फैट या फिर क्या है, ऑयल्स हैं, उस फूड का अगर ऑक्सीडेशन हो जाए तो उस फूड के टेस्ट में चेंज आ जाएगा, उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, मींस उसमें स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो वो क्या कहलाएगा प्रोसेस, रेंसिडिटी। मींस एक फूड का पैकेट है लाइक चिप्स है, उस चिप्स के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट गैस होती है नाइट्रोजन। अगर वो नाइट्रोजन ना हो तो वो फूड क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन। इसीलिए उसमें एक एंटीऑक्सीडेंट गैस यूज की जाती है नाइट्रोजन। मींस किसी भी फूड का ऑक्सीडेशन के कारण खराब होना, उसकी स्मेल का चेंज होना, उसके टेस्ट का चेंज होना क्या कहलाता है, रेंसिडिटी। तो ये दो फैक्टर थे, दो इफेक्ट थे किसके, ऑक्सीडेशन के। द फर्स्ट वन इज कोरीजन और सेकंड क्या था, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में फूड जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है जिसके कारण उसकी स्मेल और टेस्ट में क्या जाता है, चेंज हो जाता है। और कोरिजन में क्या होता है, कोरिजन के अंदर मेटल का ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, एयर, वाटर एंड एसिड, और वो अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेता है जिसके कारण जो मेटल है वो क्या जाती है, वीक। और इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ एन आयरन, लोहे पे जंग लगना। तो ये कुछ फैक्टर थे ऑक्सीडेशन के, सॉरी इफेक्ट थे ऑक्सीडेशन के, कोरिजन एंड रेंसिडिटी। क्लियर है।